जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं गया हूं अल्मोड़ा चिड़ियाघर पे, तो आपको भी दिखाता हूं कैसा है यहां का चिड़ियाघर। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं। और ऊपर ये देखिए चिड़ियाघर है, और क्या क्या है यहां वो देखते हैं। कभी आप लोग आएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि यहां पे क्या क्या है करके। तो साहिल भाई आ रहे हैं पीछे से, तो यहां पे अल्मोड़ा जू लिखा हुआ है और आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा बच्चा। चलो ऊपर चलते हैं, वो दिखाते हैं। ये गेट है और ये है यहाँ का चिड़ियाघर का गेट, मेन गेट। और ये शुल्क 20 रुपये, यह 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन। साहिल भाई टिकट कटवा रहे हैं। तेंदुआ आवास, ये देखिए यहाँ पे टाइगर काफी अच्छा बना है यार। यहाँ पे ये देखिए पेड़ों में कलर वगैरह किया हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये बिलिंग काउंटर है, तो आगे को आपको लेके चलते हैं। और नीचे का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मेन रोड है और यहाँ चितई और जागेश्वर वगैरह जाने वाला रास्ता भी है सामने। और मैं आया था, काफी पहले आया हुआ था, अभी काफी अच्छा बना दिया है। और यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है तेंदुए का घर, पिंजरा जो है। और अल्मोड़े वाले भी आए हुए हैं काफी लोग यहाँ पे। ये देखिए, वाओ, एक तो यहीं पे सोया हुआ है। टाइगर, ये देखिए, यहाँ पर है जो 2 टाइगर हैं, 2 3 3 है टोटल। सामने दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर है, ये देखिए। ये आ रहा, देखिए ये जो तेंदुआ वगैरह लेके आए हैं वो कहाँ से लेके आए हैं, इनमें सारी डिटेल इनमें दे रखी है और आप लोग ना पढ़ सकते हैं इसको रोक के। और टोटल यहाँ पे 4 तेंदुए दिखाई दिए अभी तक हमें। चारों तरफ का व्यू यहाँ का देखिए कितना खूबसूरत है। और इसमें हैं जो 4 हैं, अभी हमें 4 दिखाई दिए और काफ़ी लोग आए हुए हैं। और पूरा जंगल है ये, यहाँ पे सोया हुआ है और एक वो उधर से देख रहा, देखिए सामने बैठा हुआ है। और 2 उस साइड में, तो जो हमने जो तेंदुए यहाँ पर अंदर हैं ये बहुत डेंजर है। और
इसलिए इतना ज़्यादा इसमें देखिए तार वगैरह लगा रखे हैं, इधर से भी लगे हुए हैं और अंदर भी लगा हुआ है, तीन चार जालियाँ हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत डेंजर है यार, बहुत ज़्यादा डेंजर है इसलिए। और अभी हम आगे को जा रहे हैं, देखते हैं उधर क्या है यार। और कुछ नहीं, यहाँ का जो जंगल है काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए सामने बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं बना रखी हैं इन्होंने, इसमें मोनाल वगैरह भी है। ये है जंगली मुर्गी, जो कि यहाँ की जंगल की मुर्गियाँ होती हैं, वो चीज़ें बहुत सारी उनके ऊपर को। और आगे को लेके चलते हैं आपको, नीचे वाली जो रोड है हल्द्वानी वाली है, उधर ऊपर वाली जो है वो आपको मार्केट को ले जाएगी। सामने लिखा हुआ है अल्मोड़ा है 5 किलोमीटर यहाँ से, और नैनीताल है 72 किलोमीटर, हल्द्वानी है 95 किलोमीटर, देहरादून है 395 किलोमीटर। और यहाँ के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यार, पगडंडियाँ हैं काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, और यहाँ पर एक पुल भी बन रहा है, कुछ मुझे लग रहा है वाटरफॉल वगैरह बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पर वाटरफॉल बन रहा है, काम चल रहा है अभी यहाँ पे। और ये बड़ी खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने बाकी जो एनिमल्स हैं वो बहुत दूर रखे हुए हैं यार, हालत ख़राब हो गई चलते चलते, वहाँ जाके भी हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, वो उधर से आए हैं। और यहाँ पे लिखा है वनों के लाभ, वनों से हमको क्या लाभ होता है, वो चीज़ें दर्शाई गई हैं, आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं। बाकी साइड जा रहा है, दो हेलमेट पकड़े हैं और बैग भी लिया हुआ है, और एक बैग मेरे पास भी है छोटा सा साइल का। और ये रोड है नीचे वाली यार, हम लोग ना काफ़ी पैदल चल के आ चुके हैं इधर को, इन लोगों ने ना काफ़ी दूर रखे हुए हैं बाकी एनिमल्स, उस साइड में तो खाली तेंदुए वगैरह ही थे, और इस तरफ को हिरन वगैरह हैं करके बता रहे थे, तो हम लोग भी जा रहे हैं उधर को। जटायू है, ये है यहाँ का सफेद बंदर, मंकी, हेलो, खाना खा रहे हो, खा लो पहले खाना खा लो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरफ था सफ़ेद मंकी, ऊपर हिरन वगैरह हैं, वहाँ आपको लेके चलते हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन हम लोग ही ना वहाँ से पैदल पैदल बहुत आए यार इधर को, जो भी है अगर अच्छे से हमें दिखाई देता है तो गुड लग है, अगर नहीं दिखाई देता तो बैड लग है, तो देखते हैं ऊपर जाके। काफ़ी खूबसूरत यार पौधे जो हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, वाओ बहुत बढ़िया। ये देखिए एक ही है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक सामने आया हुआ है, ये सांबर डियर, ये देखिए सामने है एक सांबर डियर है, ये देखिए इसके सींग कितने बड़े हैं, मुलायम मुलायम सींग हो रहे इसके। और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है देखिए, पूरा हरा भरा जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। साहिल भाई हमारे पीछे से आ रहे हैं ये, और आगे को चलते हैं, और इधर है बारहसिंगा वगैरह, तो ये ना काफ़ी ऊपर बनाया है, तो ऊपर जाने का है नहीं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लॉक करा हुआ है, देखते हैं आगे से अगर घूम के आने का होगा तो जाएंगे ऊपर, कितने प्यारे लग रहे हैं।
चलते हुए। ये भैया इनको ये देखो, बिल्कुल करीब में आए हुए हमारे। मोबाइल लेने के लिए कर रहे हैं। दूसरा भी आगे देखिए, खूबसूरत यार। और ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, सामने का। तो दोस्तों फाइनली जू से हम आ चुके हैं, और रास्ते में इन्होंने ना काफ़ी सारे बोर्ड लगाए हुए थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे थी नहीं। जो बोर्ड लगे हुए थे, भालू वगैरह का भी लगा हुआ था, वो भी नहीं था यहाँ पे। और लेकिन अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। तो इसी के साथ ये वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।